आपको मॉडुलस ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ जेड बताना है। फिर से सबने अपना कैमरा ऑफ कर लिया है भाई, कैमरा ऑन चाहिए। चलो सबका कैमरा ऑन चाहिए भाई, ऑफ करने से काम बनेगा नहीं इधर। नोट कर लिया था ना जो नोट करने के लिए दिया था, बताओ। यस चलिए जल्दी से आंसर बताइए इसका। मॉड जेड समझ में आ रहा है क्या करना है? मॉड जेड में तो प्रॉपर्टी लगानी है उसका। बॉडी मॉडुलस ऑफ जेड कितना आएगा? मॉडुलस ऑफ 1 + i की पावर 7, मॉडुलस ऑफ -2 + 2i की पावर 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ √3 - i की पावर 5। एम आई करेक्ट और नॉट? ये आएगा √2 की पावर 7, बोलो। ये आएगा √2 की पावर 3, सही है। और ये आएगा √3 2 2 की पावर 5। चेक करिए। यस सही लिखा है क्या? फाइनल आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 3 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। आंसर इज 8। देखो आर्ग्यूमेंट इज -5/6। मॉड जेड 8 आ रहा है। प्रिंसिपल बताना है भाई, आर्ग्यूमेंट हमेशा प्रिंसिपल रिपोर्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। मॉडुलस ऑफ जेड सबका सेम आ रहा है क्या? Yes, sir. कोई ऐसा जिसका yes, कुछ गलत आ रहा हो तो बता सकता है तुरंत अभी। बोलिए भाई, मॉडुलस ऑफ जेड में किसी को दिक्कत आ रही हो तो? नो सर। फिर आप पूछो। सर ये 2 की पावर 6 है ना ऊपर, और नीचे 2 की पावर 5 है, तो 1 2 बच नहीं जाएगा? सर ऊपर 5 लिखा है। कैसे? सर 2√2 का क्यूब, यानी कि 8 × 8 × 2√2, यानी कि ए धीरे 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 2√2 का क्यूब मतलब 8 × 2√2 ना, हमें 2√2 का स्क्वायर इज 8। कहाँ हो सर? एक और बार 8 मल्टीप्लाई करना है। जी सर समझ गया। गलती कर रहे हो, समझ क्या रहे हो, ऐसे नहीं किया करो। देखो √2 की पावर 7, √2 की पावर 3 2 की पावर 3, क्या है √2 की पावर 10 2 की पावर 3, √2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर 5, मैंने ऐसे लिखा था। जी सर। चलो हाँ आर्ग्यूमेंट 5 π/6। हाँ भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बता रहे हैं मुझे 5 π/6। बाकी लोग आंसर मैच करो जल्दी से। यस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज 5 π/6। ये आ रहा है क्या? -π/6 आ रहा है इनका, अभी चेक करते हैं। आर्ग्यूमेंट में क्या करोगे? 7 times of argument of 1 + i, 3 times of argument of -2 + 2i, -5 times of argument of √3 - i, यही लिखोगे? देखो सब लोग। yes. इसमें किसी को डाउट आ रहा है तो बोलेगा वो, नहीं है ना? अब आओ, 1 + i का आर्ग्यूमेंट 5/4 होता है क्या? yes. अच्छा -2 + 2i सेकंड क्वाड्रेंट है क्या? टेन थीटा की वैल्यू 5/4, मतलब थीटा 5/4, तो पाई माइनस 5/4, यानी इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा बेटा? 3 π/4। समझ आया क्या? इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? 3 π/4। याद आया क्या? और लास्ट वाले का आर्ग्यूमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है, कितना आएगा? -π/6। अब सिंपलीफाई कर दो तो 9 और 16 4π हो जाएगा। 4π + 5π/6, तो सीधा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेट क्या रिपोर्ट करोगे? 5π। 4π लिखने की कोई जरूरत? अरे हाँ है ना। तो अब मैं आपसे ये पूछता कि इस जेड को पोलर फॉर्म में लिखो। सोचो ये जेड आता कॉपी, जैसे क्वेश्चन में ऐसे करता, ये लिखता ये, और मैं पूछता राइट इनटू x + i y फॉर्म, क्या करते?
सर 8 cos 5 pi by 6 अब देखो जब भी इतना बड़ा सा क्वेश्चन आया और आपको उसको x plus iy के फॉर्म में लिखना हो तो आप सबसे पहले निकालोगे मॉडुलस ऑफ z, इसके बाद आप निकालोगे आर्गुमेंट ऑफ z, निकाल लिया कि नहीं? अब आप z को लिखोगे क्या r cos theta plus i r sin theta सिंपलीफाई हो गया दिखा क्या? तो जब भी आपको एक बड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलीफाई करके x plus i y में लिखना है तो ये दूसरा मेथड आपके पास आ चुका है। क्या कर लो, मॉड z निकाल लो, आर्गुमेंट ऑफ z निकाल लो और इसको पोलर फॉर्म में लिख दो। समझ रहे हो क्या? ये हो गया r और ये हो गया थीटा। तो z को आप तुरंत क्या लिख दोगे, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए आपको पाई बाई सिक्स पे वैल्यू चाहिए होगी, है ना? वो जब अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो निकाल लेंगे। समझ रहे हो क्या? वैसे पाई बाई सिक्स पे वैल्यू निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना? क्या आएगी कोई बताएगा? पाई बाई सिक्स मतलब 150 डिग्री हो गया। अरे हाँ, है ना, 150 डिग्री का मतलब हो गया 8 फाइव माइनस, मतलब माइनस में आएगा 8 रूट 3 बाई 2 ये आएगा और आई 8 बाई 2 ये आएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस 4 कर लो कॉमन, रूट 3 माइनस आई। कोई बात नहीं, वैल्यू के लिए घबराने की जरूरत नहीं, वैल्यू जब पढ़ेंगे तब सीख लेंगे। यहाँ तक लिखना अगर हमें आता है तो ये हम लिख लेंगे जब सीख लेंगे, ठीक है? तो चलो, तो बड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई में लिखना, उसका आर्ग्यूमेंट निकालना, उसका मॉडुलस निकालना, प्रॉपर्टी लगा के ओके हो? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। टू कॉस थीटा बाई टू इंटू ई की पावर आई थीटा बाई टू आ गया क्या? डन? यस सर। जब बात चलाई स्टार्ट चली रही है तो आप ये भी लिखी गए एक जगह कहीं पे आपसे 1 माइनस ई की पावर आई थीटा पूछ ले या 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसको हम लिखते हैं माइनस 2 आई साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। यानी कि माइनस 2 आई साइन थीटा बाई 2 इंटू ई की पावर आई थीटा बाई 2 दैट इज 1 माइनस ई की पावर आई। प्लस को ये लिखते हैं, माइनस को ये लिखते हैं, सही है? अभी कहाँ से लिखते हैं, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। कैसे बताएं? देखो, कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। साइन थीटा का एक फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा ही है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक ऊपर लिखा था, एक ही है, एक और कभी आएगा तो लिख देंगे। समझ रहे हो? अब जरा इसको इंटरचेंज करो। देखो, 1 माइनस ई की पावर आई थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अच्छा, इसको लिख दो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लिखा ना? और साथ में क्या लिख रहे हो, माइनस आई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, आया ना? अच्छा, 1 और 1 कैंसिल हो गए, ये क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई टाइम्स ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, दिख रहा? अच्छा, अगर आप अभी सिर्फ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन कर लोगे
ये बन जाएगा साइन थीटा बाई टू, वो होगा वो तो यहां आएगा साइन थीटा बाई टू इंटू आई कॉस थीटा बाई टू। बोलो यहां तक ओके हो? अच्छा अब ध्यान से देखो, क्या ये e की पावर आई थीटा है? आई थीटा बाई टू है नहीं है ना भाई? e की पावर आई थीटा बाई टू का मतलब होना चाहिए था कॉस थीटा बाई टू प्लस आई साइन थीटा बाई टू, बट अभी आई किसके साथ? कॉस के साथ। और हमें आई चाहिए किसके साथ? साइन। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस वन मान लेते हैं और उस प्लस वन को क्या लिख देते हैं? बोलो माइनस का आई स्क्वायर। ये बात समझे कि नहीं? वाई वी आर यूजिंग दिस माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि हम आई को क्या करना चाहते हैं? साइन थीटा वाई टू के साथ लाना चाहते। अब ये आ गया माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा वाई टू माइनस आई कॉस थीटा वाई टू, पूरे से क्या कॉमन आया? माइनस आई, तो माइनस टू आई साइन थीटा वाई टू कॉस थीटा वाई टू प्लस आई साइन थीटा वाई, यही लिखा है मैंने। देखो माइनस टू आई साइन थीटा वाई टू इंटू ई की पावर आई लिखा गया। ये वाले रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री के आपने यूज किए। समझ रहे हो क्या? समझ आ रहा है भाई? यस सर। माइनस फोर पाई बाय नाइन, यही क्वेश्चन की ड्यूटी है। अभी आते हैं उससे, ये एडवांस का क्वेश्चन है, समझ गए कहाँ गलती की है। नहीं मॉड सही नहीं है, वही गलत है, उसी वजह से बाकी गलत है। सोचा सही है कि वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, बट कर गलत दिया है। अभी बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में उतना वो नहीं है ना कमांड, इसलिए गड़बड़ हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं अभी ले लेंगे। हाँ भाई समझ गए, यानी हमने दो रिजल्ट पढ़ लिए, अब वो दोनों रिजल्ट एक जगह लिख लिया। पहला हमने पढ़ा वन प्लस ई की पावर आई थीटा, दैट इज टू कॉस थीटा वाई टू ई की पावर आई थीटा वाई टू, आया ना। दूसरा हमने पढ़ा वन माइनस ई की पावर आई थीटा, दैट इज माइनस टू आई साइन थीटा वाई टू ई की पावर आई थीटा। अब जहां हमको जरूरत पड़ेगी वहां हम इन दोनों रिजल्ट को लगा के चीजें सिंप्लीफाई करें। लिख लो समझ लो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हो गया, बढ़े आगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। हमें चाहिए इसका क्या? हमें चाहिए इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ना। बोलो भाई, अब तो कुछ क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है क्या क्या कर सकते, क्या ये वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वाली फॉर्म है? तो डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि नहीं? लिखो फिर, क्या लिखोगे बताओ भाई। जेड जो है वो लिखा हुआ है वन प्लस कॉस टेन पाई बाई नाइन प्लस आई साइन टेन पाई बाई नाइन, तो थीटा टेन पाई बाई नाइन है, तो आप इसको लिख दोगे कॉस थीटा बाई टू कॉमन, अंदर बचेगा कॉस थीटा पाई बाई टू प्लस आई साइन थीटा पाई बाई टू। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? क्यों बोलो? अच्छा जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज बताई जाएगी कि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, वैसे ये चीज आपने पढ़ी भी होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, याद आया? एस टी सी रूल पढ़ा है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है कि नहीं? नहीं बिल्कुल पहले एक बार पढ़ी है। ये एएसटीसी रूल पढ़ा है कि नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, याद आया? क्वाड्रेंट का मतलब समझते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब
90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब बस इतने की जरूरत है। अब अगर आपका थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा हमेशा निगेटिव होगा, एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये जो जेड लिखा हुआ है अगर आप इस जेड को ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है कॉस 5π/9 ई टू दी पावर आई 5π/9 है ना, तो ये बेसिकली आर इंटू ई की पावर आई थीटा वाला आप टाइप सोचते हो, तो ये जो आर है वो हमेशा मॉडुलस ऑफ जेड होगा कि नहीं, और मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। क्या लगता है कॉस 5π/9 की वैल्यू पॉजिटिव है ना? क्यों? क्योंकि जो 5π/9 एंगल है वो π/2 से बड़ा है, सोचो ये एंगल π/2 से बड़ा है, हाँ या ना? 5π/9 π/2 से बड़ा है कि नहीं है? इसका मतलब ये वैल्यू अभी क्या है, निगेटिव है, जबकि यहाँ जो वैल्यू लिखी होनी चाहिए वो होनी क्या चाहिए पॉजिटिव। अब बताओ निगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाइड बाई या? तो इसका मतलब हम जेड को एक्चुअल में ये लिखे माइनस कॉस 5π/9 होगा इसका आर्गुमेंट, ये होगा मॉडुलस। अच्छा माइनस मल्टीप्लाई किया है तो आगे भी तो माइनस रहेगा ना, अरे हाँ या ना? ये माइनस ऐसे रहेगा कि नहीं बोलो, यहाँ तक ओके हो गया, यहाँ तक दिख रहा है ना भाई सबको? हाँ भाई, अच्छा टू भी होगा, टू भी होगा, तो टू भी होगा अभी, ठीक है। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आएगी -2 cos 5π/9। माइनस क्यों आ रहा है समझ रहे हो ना, क्योंकि वो वैल्यू निगेटिव होगी और माइनस मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना लेंगे। अब बात करते हैं आर्गुमेंट, अच्छा ये चीज तो मॉडुलस में चली गई, अगर ये सिर्फ e की पावर i थीटा लिखा होता तो हम थीटा को आर्गुमेंट बोल देते, बट ये लिखा क्या है? अब इस माइनस का क्या करोगे, देखो माइनस e की पावर i थीटा जो होता है ना वो होता है e की पावर i पाई प्लस थीटा, माइनस ई की पावर आई थीटा जो होता है वो तो ई की पावर आई पाई प्लस थीटा, तुरंत दिमाग में आया वाई पाई है ना, बोलो देखो ट्रिग्नोमेट्री भी उतनी पढ़ी नहीं ना, वही गड़बड़ है। इसको हम -1 × e^i θ लिख सकते हैं, कोई डाउट? माइनस वन को हम लिखते हैं कॉस पाई सॉरी ई की पावर आई पाई। अच्छा कैसे? e की पावर i पाई का मतलब होता है cos पाई प्लस i sin पाई, cos पाई की वैल्यू -1 होती है और sin पाई की वैल्यू 0 होती है, ये -1 आता है। ये समझते हो cos पाई और sin पाई 0 क्यों होता है बताओ? वो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पाई एंगल आता है ना, तो बेस क्या हो गया, बेस तो बेस और हाइपोटेनस सेम हो गए, तो कॉस की वैल्यू आ गई -1 और परपेंडिकुलर 0 हो गया तो साइन की वैल्यू 0 आ गई। ये क्या भूल गया मैं, समझ आया नहीं आया होगा यार, समझ में क्या बोला है? तो ट्रेंगल चलता है ना साइन थीटा कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, जब एंगल पाई बनता है तो हाइपोटेनस और बेस सेम हो जाते हैं, अगर हाइपोटेनस और बेस सेम नहीं होंगे तो एंगल पाई नहीं बन पाएगा ना, और परपेंडिकुलर 0 हो जाता है, इसलिए साइन की वैल्यू 0 होती है ना, और कॉस की वैल्यू -1 इसलिए हो जाती है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। चलो वो ट्रिग्नोमेट्री जब कभी डिटेल में लेंगे तब समझेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? आप सोचो इस -1 की जगह क्या लिख दोगे, बोलो e की पावर आई पाई और e की पावर आई थीटा, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाए, समझ रहे हो क्या? अब इसको अगर हम यहाँ यूज करें तो हम इस जेड को क्या लिखेंगे, -2 cos 5π/9 इंटू ई की पावर आई पाई प्लस 5π/9 डन हो गया मामला।
यानी कि अल्टीमेटली हमारा जेड क्या आएगा, माइनस टू कॉस फाइव पाई बाई नाइन इंटू ई की पावर आई कितना, चलो ये रहने दो, फाइव प्लस फोर्टीन वही फोर्टीन पाई बाई नाइन, यहाँ तक ओके हो। अब ये तो मॉडुलस ऑफ जेड था ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हुआ? अब अगर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है तो क्या ये वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में है, इसको किसके बीच में लाना पड़ेगा? तो माइनस पाई से पाई के बीच में लाने के लिए इसमें पाई ऐड और पाई सेपरेट करना पड़ेगा, बोलो समझ रहे हो क्या? बस अमन समझ कर गया। अब मैं आपसे पूछूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा पाई प्लस फाइव पाई बाई नाइन। बट क्या ये प्रिंसिपल है? नहीं। प्रिंसिपल के लिए क्या करोगे, टू पाई माइनस फोर पाई बाई नाइन, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा? आप समझ में यही आंसर दिया था। ओवरऑल आंसर क्या हुआ, अगर जेड वन प्लस कॉस टेन पाई बाई नाइन प्लस आई साइन टेन पाई बाई नाइन है तो और मॉडुलस ऑफ जेड कितना आया, माइनस टू कॉस फाइव पाई बाई नाइन, एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आया भाई, माइनस फोर पाई बाई नाइन। ये आंसर हाँ नोट कर लो, बट नोट करने से पहले एक आखिरी चीज और लिख दे, फिर नोट कर लेना, बार बार इतना कैलकुलेशन क्यों करेंगे, है कि नहीं? तो अगर जेड आपका वन प्लस ई की पावर आई थीटा हो, क्या हो, वन प्लस ई की पावर आई थीटा, पहला केस, अगर थीटा बाई टू पाई बाई टू से बड़ा है, दूसरा केस थीटा बाई टू पाई बाई टू से छोटा है, अगर थीटा बाई टू पाई बाई टू से बड़ा है तो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू होती है माइनस टू कॉस कितना, थीटा बाई टू, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू होती है पाई प्लस थीटा, प्रिंसिपल आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके निकाल लीजिए, समझ गए? अगर ये थीटा बाई टू जो है पाई बाई टू से छोटा है तो मॉडुलस की वैल्यू होती है टू कॉस थीटा बाई टू, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू होती है, हो गया आप तो? अब आप देखते हैं आंसर भी, समझ रहे हो क्या? आप ट्रिग्नोमेट्री ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, आप देखते हैं अपना आंसर बताओगे, बताओगे कि नहीं बताओ, बस आपको बस ये चेक करना है कि थीटा बाई टू जो है वो पाई बाई टू से बड़ा है या, समझ गए भाई पूरा? अब नोट कर लीजिए जहां जरूरत है, पांच जरूरत है, स्टार्टिंग से ही होगी बिल्कुल। नहीं क्या दिख रहा है ना अपना, तो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री इसमें ज्यादा लग गई इसलिए दिक्कत है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी चीजें एक्स्ट्रा में यूज हो रही है वो सब मैंने लिख दी एक्स्ट्रा में, है ना, उनको अभी लिखते चलो, बाकी जरूरत पड़ने पे उनको जब हम पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ तो हम सब लेंगे एक दिन। तो वो मॉडुलस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वाले फॉर्मूले लिखे थे आपने, वो इसी के पहले लिखने, कौन से फॉर्मूले लिखे बेटा? अरे ये भी नहीं नोट किए हो क्या, ये क्या नाम है, ये सब भी नोट नहीं हुआ है क्या, ये नोट हुआ है लास्ट, ये रह गया क्या लास्ट वाला, ये अच्छा ये नहीं लिखा था ये, चलो पहले ये वाला नोट करो, बताना फिर ऊपर कर लो, लिख रहे हो ना ये,
हो गया। बस मतलब स्क्रॉल डाउन आप डाउन हुआ ना क्या आप करके कहाँ जा रहे हो वो आखिरी वाला फॉर्मूला लिखना है क्या बाकी लोग इसको जल्दी लिखो तो ये चीज ध्यान रखनी है समझ रहे हो कि नहीं अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे तो सीधा आंसर लिख दो और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि वो पाई प्लस थीटा बाई टू हो जा रहा है तो दिख रहा होगा माइनस मल्टीप्लाई करते ही पाई ऐड हो जाता है आर्गुमेंट हो गया देख लिया ना सबने इधर बाकी लोग कहाँ चले गए अपना कैमरा ऑफ ऑफ करके भाई तुरंत ऑफ करके गायब हो जा रहे हैं लोग हैं अभी आखिरी वाली चीज और लिख लीजिए ये ना पूरा लिखना है कहाँ पे ये ना अच्छा ये तो काफी देर से ओपन है अच्छा वन प्लस ई की पावर आई थीटा थीटा बाई टू अगर पाई बाई टू से बड़ा है तो ये आंसर होगा थीटा बाई टू पाई बाई टू से छोटा है तो ये आंसर देख लिया चलो बड़े आगे चलिए ये सारी बात समझ आ गई कि नहीं हेलो चलिए आप डालो डिमोर्स करो स्टार्ट नहीं भाई बहन नहीं कोई रिश्ता नहीं है जन्म हाँ भाई डिमोर्स थ्योरम अब ये थ्योरम क्या कहती है ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी पावर एन हो यहाँ पे एन कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है ये रिजल्ट बन जाता है आर की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा ये है डिमोर्स थ्योरम एन कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है एन कोई भी रैशनल नंबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन इक्वल टू दिस अच्छा प्रूफ तो एकदम सिंपल सा है भाई आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को आर ई की पावर आई थीटा लिख सकते बोलो और इसकी पावर अगर एन करेंगे तो इसकी पावर भी एन हो जाना है यानी कि ये बन जाएगा आर की पावर एन ई की पावर आई एन थीटा अब थीटा की जगह क्या आ गया एन थीटा ये रिजल्ट क्या बन गया कॉस एन थीटा प्लस आई साइन ये बात समझे कि नहीं एन कोई भी रैशनल नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता
समझ रहे हो। अब इसका दूसरा एनालिटिकल प्रूफ ये है कि ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका आर्ग्यूमेंट कितनी बार मल्टीप्लाई होगा और उसका सॉरी मॉडुलस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा और उसका आर्ग्यूमेंट कितनी बार ऐड होगा। ये दूसरा लॉजिक, भाई इसका मॉडुलस आर है ना, आर एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, आर की पावर एन बना देगा, इसका मॉडुलस आर की पावर एन है कि नहीं है, और इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है तो इसका थीटा आर्ग्यूमेंट एन टाइम्स ऐड होगा तो एन थीटा बना देगा, यही तो कह रहे हो, बोलो भाई। यस सर। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन, तो आप तुरंत मुझसे कहेंगे दिस इज कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, बोलो सेम है, आर की वैल्यू वन है, हाँ है ना। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन कितना हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन कितना हो गया, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन। सर हाँ बेटा, सर एक सेकंड ऊपर बस, यस सर, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन दैट इज कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, सही है। अब आप दोनों रास्ते हैं आपके पास, ये थ्योरम आप ऐसे याद रखो या e की पावर i थीटा के फॉर्म में याद रखो, तो वो चॉइस है आपकी, तो आप कैसे भी क्योंकि पोलर फॉर्म में याद रखो या यूलर में, तो चॉइस है आपकी, समझ रहे हो क्या। चलो आगे बढ़े, अब सेम एज हम बोल सकते हैं cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर n, ये होता है cos n theta plus i sin n theta, ठीक, sin theta plus i cos theta की पावर n, sin theta plus i cos theta की पावर n, ये होता है i to the power n इंटू कॉज एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, या कहीं कहीं बुक में इसको बोल दिया जाता है कॉस ऑफ एन पाई बाई टू प्लस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा प्लस आई साइन एन थीटा प्लस पाई, ठीक है, पाई बाई टू माइनस थीटा, सही है, अभी प्रूव करेंगे है ना। अच्छा यहीं पे अगर होता साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा की पावर एन, तो इसको बोल दिया जाता है माइनस आई की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन, सही है। अभी कहां से आ रहे हैं वो देखिए, देखो जो रूल है वो सिर्फ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के लिए, बाकी के लिए रूल बनाना पड़ेगा है ना। अब देखो पहला वाला, देखो आपके सामने है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा,
इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ई की पावर माइनस आई थीटा की होती है, ये क्या आता है माइनस थीटा। अब ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे आप। कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं होता, ये मैंने आप एक दिन बोला भी था। और साइन के अंदर जब आप माइनस लगाते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं होता, और साइन के साथ जब आप माइनस लगाते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। जब प्रूफ करेंगे तब तब की तब कर लेंगे, अभी के लिए इतना समझ। तो सोचो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन। ये ऐसे ही तो लिखा जाएगा, यानी ये e की पावर माइनस आई थीटा ही लिखा होगा, वही तो लिखा ही है। Yes, sir. अब अगर आपको कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n करना है तो बेसिकली e की पावर माइनस आई थीटा की पावर n करना है, यानी e की पावर माइनस आई एन थीटा करना है। इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस एन थीटा ही तो करना है, यानी ये रिजल्ट क्या बन गया, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन। पहला प्रूफ समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। डन हुआ? अच्छा सेकंड वाला दो, कहाँ सर? हाँ पूछो सर, एक बार ऊपर शुरुआत कर दे। हाँ तो अपनी अपनी बात बोलो, क्या बोलो? यही वाला, ये वाले में वन की जगह माइनस आई स्क्वायर लेंगे क्यों, वाई? सब कुछ तो व्यवस्थित लिखा ही है, सिर्फ समस्या माइनस की तो है। आई जो है वो साइन के साथ होता है, समस्या किसकी है, इस माइनस की, तो उसी को दूर किया नहीं गया। अगर ये आई यहाँ नहीं यहाँ लिखा होता तो हम सोच रहे होते क्या कर सकते हैं कि नहीं, अभी तो सही लिखा था सेकंड वाले में यही काम। अब जैसे मान लो हमें ये प्रूफ करना हो, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, अब वो चीज आएगी, अभी आई ही गलत लिखा है, आई किसके साथ लिखा होना चाहिए था। तो अब हम इसको लिखेंगे माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, पूरे से क्या कॉमन करेंगे आई, तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। कितने लोग समझे ये बात, आप तो कर लोगे। जैसे आप साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की पावर एन करोगे तो ये आई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और इस पूरे की पावर एन आएगा, आया ना? और तो क्या बचेगा, आई की पावर एन, और इसको तो अभी आपने ऊपर प्रूफ किया ही है, नहीं क्या? समझ गए भाई, यहीं पे जो तीसरा वाला रिजल्ट था जिसमें यहाँ था साइन थीटा और यहाँ था माइनस आई कॉस थीटा, सेम काम इसमें भी करना है। इसको लिखेंगे माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस आई कॉस थीटा, पूरे से क्या कॉमन आएगा इस बार, माइनस आई, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन। अब तो रेस्ट कर ही लोगे। अब जैसे ही आप साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा की पावर एन करोगे तो क्या आएगा, माइनस आई की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, यही फॉर्मूला लिखा था मैंने, आया ना? समझ रहे हो क्या? बहुत सारी चीजें एक साथ लिख ली ना, घर जाके दोबारा पढ़ना, बताना कल का क्या स्टेटस, ठीक है ना? चेहरा सपोर्ट नहीं कर रहा है तुम लोगों का, लेकिन नहीं, घर जाके अभी दोबारा ही पढ़ना, फिर मुझे कल बताना, तब देखेंगे कुछ रह जाएगा तो बताना, ठीक है? तो यानी अभी तक जो हमने बताया है वो ये बताया, एक बार बॉक्स बना दो। अगर कहीं लिखा हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक सेकंड देता हूं, तो इसको ई की पावर आई थीटा लिख लेते हैं, यूलर एंड पोलर। कहीं लिखा हो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा तो आप इसको ई की पावर माइनस आई थीटा लिख देते हैं। कहीं लिखा हो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा
तो आप इसको आई ई की पावर माइनस आई थीटा लिख देते हैं, और कहीं लिखा हो साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा तो आप इसको माइनस आई ई की पावर आई थीटा, सही है। इसको अगर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ लिखेंगे, ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा, इसमें आई को आप लिख देंगे ई की पावर आई पाई बाई टू, तो लिखेंगे तो लिखेंगे, अभी फिर से कहोगे ये क्या हो गया, ये है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, तरीका दिमाग में रखिएगा तो सवाल है, समझ रहे हो कि नहीं, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। याद रखने का तरीका अगर दिमाग में रखना चाहते हो तो बता देते हैं, देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e की पावर आई थीटा, वेरी गुड, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा तो e की पावर माइनस आई थीटा, ये तो दिमाग में सेट होगा। साइन थीटा प्लस आई cos थीटा होगा तो आई कॉमन आएगा यहाँ पर और e की पावर माइनस आई थीटा यहाँ आएगा, मतलब अगर यहाँ प्लस होगा तो पावर भी माइनस आएगा और आई तो कॉमन आना ही है। अगर साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा होगा तो पावर में प्लस आएगा तो बाहर माइनस आई आएगा, याद हो गया। अगर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा होगा तो प्लस है ना बीच में, ई की पावर माइनस आई थीटा आएगा और बाहर आई आएगा, आया ना। अगर साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा है तो बीच में माइनस है, ई की पावर आई थीटा आएगा और बाहर माइनस, बोलो भाई डन, कोई डाउट सर? 1 मिनट, 1 मिनट दे दे, हो गया सर, लास्ट वाला नोट कर। अच्छा सर, हाँ बेटा, सर e की पावर i पाई माइनस 1 कैसे होता है? e की पावर i पाई माइनस 1 कैसे होता है, ये पूछ रहे हो क्या? जी सर, जहाँ लिखा था वहां लिखा होगा ये बात, हमने कहाँ लिखा है e की पावर i पाई cos पाई i sin पाई, कहीं लिखा था क्या? अरे यार अब इनको बताना पड़ेगा, ना 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 वैल्यू वैल्यू डाउन, इनको बहुत अच्छे से समझा। देखो इन्होंने कहा कि क्या कहा कि सर जेड अगर क्या हो माइनस ई की पावर आई थीटा, यही कह रहे हो ना? जी सर, तो क्या बन जाता है ई की पावर आई पाई प्लस थीटा, यही ना? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि ई की पावर आई पाई माइनस 1 क्यों? अरे यार वही तो लिखा है ना, माइनस 1 इज ई की पावर आई पाई ना। जी सर, अरे इसको लिखे ना माइनस 1 इंटू ई की पावर आई थीटा भाई, तो ये माइनस 1 की जगह ई की पावर आई पाई लिखेंगे और इंटू ई की पावर आई थीटा करेंगे तो बन जाएगा, यही तो ना। अच्छा आप कॉमन सेंस सोचो, माइनस जेड करने पे क्या होता है बताओ जल्दी से, जेड यहाँ होता है, मिरर इमेज बन जाती, यहाँ पे जेड पहुंच जाता है, कितने डिग्री घूम गया? 180। पहले आर्गुमेंट थीटा था, अब कितना हो गया? यही लिखा है, समझ गए? पहले आर्गुमेंट इसका कितना था, थीटा था क्या? माइनस मल्टीप्लाई करते ही क्या हुआ आर्गुमेंट? पाई प्लस थीटा, इसका मतलब माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, समझ रहे हो क्या? मतलब मैंने ये बताया जेड था ई की पावर आई थीटा, माइनस जेड हो गया ई की पावर आई पाई प्लस थीटा, इतना तो आपने देख ही लिया। ये हो गया ई की पावर आई पाई इंटू ई की पावर आई थीटा, ये हो गया माइनस ई की पावर आई थीटा, ये और ये खत्म, तो ई की पावर आई पाई की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस पाई साइन पाई कुछ, समझ गया? ये तो पढ़ाया ही यार मैंने कि जेड और माइनस जेड में क्या, और ये दिख भी रहा है आपको कि ये 180 घूम गया, आर्गुमेंट थीटा से कितना हो गया पाई प्लस, आप समझ में आया भाई माइनस करने पे क्या हो जाता है, समझ गए क्या? जी सर, समझ गए।
हाँ बेटा पूछो और सर ऊपर वाला पेज दिखा दीजिए, एक मैं लास्ट वाला नोट कर रहा हूं। अरे लो भाई लिख लो, लिख लिया सर वन। आज ही लिखना था, कल थोड़ी लिखना है इसको। लिख लिए कि नहीं? Yes. गुड, इसको प्रूफ करो। क्वेश्चन नंबर 4, होमवर्क आज भी नहीं हो पाएगा अगर पढ़ा ही नहीं पा रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो। ठीक, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 साइन थीटा प्लस आई cos थीटा की पावर 5 is equals to sin theta minus I cos theta. ये लिखना था क्या? ये इसको भेज देंगे, परेशान ना हो। स्क्रीन दिख नहीं रही क्या? दिख तो रही। हाँ भाई, कैसे प्रूफ करेंगे? अभी तो आज की क्लास में आपने लिखा ना, cos theta minus I sin theta इसकी पावर 4 है और साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की पावर 5। सबको किस में लिख लो? यूलर फॉर्म में लिखो। तो ये बन गया ई की पावर माइनस आई थीटा, आया ना, और ये बन गया प्लस, है ना, बीच में, बीच में क्या है? प्लस। तो ई की पावर माइनस आई थीटा आई आएगा कि नहीं? आया ना, प्लस है तो पावर में माइनस वाला आएगा और माइनस आएगा तो बाहर आई प्लस में आएगा। याद आया कि नहीं? अभी अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन गया e की पावर माइनस आई 4 थीटा। i की पावर 5 का मतलब i, और e की पावर माइनस आई 5 थीटा। ये i उठ के ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन i इनटू e की पावर i थीटा। आया ना, 1 अपॉन i को माइनस i लिख सकते हो। बोलो क्यों लिख सकते हो? i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, i स्क्वायर इज माइनस 1, e की पावर i थीटा। अच्छा, cos sin में ओपन कर लो। ये हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा माइनस आई cos थीटा। तो अल्टीमेटली क्या बन गया? साइन थीटा माइनस, अरे हाँ है ना, या तो ऐसे करते या ये वैल्यू डायरेक्ट पता है ना आपको क्या होती है, साइन थीटा माइनस आई cos थीटा। दोनों रास्ते दिखा क्या? तो हमने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को किसमें चेंज कर लिया? चेंज कर लिया यूलर फॉर्म में, और फिर डिमोवर्स थ्योरम लगा के सॉल्व कर दिया। नहीं समझे क्या? पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, फिर टाइम हो गया है तो घर जाना होगा। फिफ्थ का आंसर और बता दो। फिफ्थ का आंसर अब सबका आना चाहिए। आया? याद है, पहले ऊपर माइनस कॉमन करोगे तो ये बनेगा साइन 11 डिग्री माइनस आई कॉस 11 डिग्री। ऐसा कुछ देखा है कि नहीं आपने? और ये 0.4 साइन 34 डिग्री प्लस आई कॉस 34 डिग्री, दोनों आपने देखे हैं। साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। तो पहला वाला क्या लिखोगे? माइनस है ना, तो आई, सॉरी माइनस आई ई की पावर आई थीटा। याद आया? माइनस है तो यहाँ पे प्लस वाला आएगा ना, और माइनस आई कॉमन आएगा। याद आया? रिजल्ट दिमाग में सेट हुआ कि नहीं? अच्छा, ये वाला क्या बनेगा? आई ई की पावर माइनस आई 34 डिग्री। बोलो, माइनस माइनस प्लस, आई से आई कैंसिल, ये बना 4/0.4 इंटू ई की पावर आई 11 डिग्री प्लस 34 डिग्री। 11 और 34 क्या हो गया? 45 ना, तो ये बन गया कितना? 10,
ई की पावर आई 45 डिग्री, अब इसको ई की पावर आई थीटा तो ओपन कर लेंगे ना सब लोग, ये बन गया कॉस 45 डिग्री प्लस आई साइन 45 डिग्री, आया ना, 45 की वैल्यू तो पता ही होती है 1/√2, तो आंसर कितना आ गया यहाँ 5√2 वन प्लस आई, हाँ है ना, समझ में आ रहा है भाई डिवोर्स का यूज, भाई पोलर फॉर्म में चेंज करके आपने डिवोर्स लगा दिए, हाँ है ना, देख लीजिए कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए, डन। चलिए आज की क्लास में जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अगली क्लास में बुला